सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जेके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जेके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की। तो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए। अगर आप दोस्तों फिजिक्स में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करे हैं, तो एग्जाम में आपको काफी क्वेश्चंस इसी टेस्ट से देखने को मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो रही है और आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है। तो देखिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हमने जो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इनमें से कोई लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी लिंक दे रखी है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और इन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद ही आप टेस्ट लगाएंगे, आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, लाइट वाला लेक्चर हमने कंप्लीट कर रखा है, हीट वाला, साउंड वाला, आधुनिक विज्ञान मॉडर्न फिजिक्स हमने कंप्लीट कर रखी है, इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफार्मर, एसी डीसी, रेक्टिफायर, और अच्छे से हमने पूरा विद्युत कंप्लीट करा है, आविष्कार से संबंधित मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिक यंत्र जिससे एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये भी हमने सारा कंप्लीट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये सारे वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर साइंस से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स से पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन, बायो से पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। अब देखिए, जो फिजिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है लाइट से, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आविष्कार और वैज्ञानिक यंत्र से, बिल्कुल पक्का है। और देखिए, हीट, साउंड, मॉडर्न फिजिक्स और विद्युत, इनसे पूछा जाता है दोस्तों एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से। तो जितने भी लेक्चर करा रखे हैं ये सफिशियंट लेक्चर है आप सभी के लिए। चलिए अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो मनुष्य को जो ध्वनि सुनाई देती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। इस फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि को ही मनुष्य सुन सकता है। ओके, तो आंसर डी सही होगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, मतलब सफेद कपड़े ठंडे क्यों होते हैं। क्यों होते हैं कि सफेद कपड़ों पर जो प्रकाश पहुंचता है रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। देखिए, सर्वोत्तम विद्युत चालक गुड कंडक्टर है। कौन है सबसे अच्छा विद्युत का, चांदी होती है सबसे अच्छी विद्युत की चालक। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसकी बाहरी कक्षा में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटोन की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो ये ध्यान रखना है, बेसिक है, पता होना चाहिए हमको। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, SSC में भी पूछा गया है 2 से 3 बार। तो ये यूज किया जाता है उच्च ताप के लिए, तो सी आंसर सही होगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। दो तारों के बीच की दूरी कितनी है तो वो प्रकाश वर्ष में बताई जाती है, तो दूरी का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाई देता है, ऐसा किसके कारण होता है। तो देखिए, प्रकाश वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये उसका अभिलंब है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ऐसा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रेक्शन कहलाता है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो उसकी वास्तविक पोजिशन से थोड़ा सा ऊपर उठाई देता है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो फ्रेंड उसका आप आंसर लगाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन उसका सही आंसर होगा, रिफ्रेक्शन, तो डी आंसर सही होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। एसी करंट को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा। बहुत से लोग गलत करके आते हैं, ट्रांसफार्मर क्लिक कर देते हैं, ट्रांसफार्मर का काम ये नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। जबकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। देखिए,
ध्वनि की जो चाल होती हैं वो दाब पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो दाब चाहे बढ़ा लो, दुगना कर लो, तिगना कर लो, ध्वनि की चाल वही की वही रहेगी। तो आंसर क्या होगा, 332 मीटर पर सेकेंड। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो किस डिग्री पे मारना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पे मारना चाहिए जिससे कि वो अधिकतम दूरी तक जा सकेगी। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। देखिए दो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो इन दोनों पे कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो डेसीबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है आइजैक न्यूटन ने। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, अवतल लेंस यूज किया जाता है। आप मेरा प्रकाश वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता रखा है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, देखिए एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो एसी वोल्टेज का ऊंचाई और अपचाई करने के लिए, सी आंसर सही होगा। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने करा था, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। देखिए वायु, जल, लकड़ी और निर्वात, निर्वात में तो ध्वनि ट्रेवल करती ही नहीं है। लकड़ी जो है वो ठोस है, सबसे तेज जो चाल होगी ध्वनि की वो होगी लकड़ी में, तो सी आंसर सही होगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो सूर्य देखिए अपनी वास्तविक पोजिशन से थोड़ा सा हटके दिखाई देता है, और ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बता चुका हूँ आपको मैं, रिफ्रेक्शन के कारण। ओके, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल कार्य का मात्रक है, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है तो उससे जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पकता है, तो अधिक दाब होने की वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है पानी का। देखिए आंसर सी बिल्कुल सही होगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि देखिए कहाँ से, ध्वनि जो होती है उसको माध्यम की जरूरत होती है, तो जल एक माध्यम है, स्टील एक माध्यम है, मतलब निर्वात कोई माध्यम नहीं है, तो यहां से ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो आंसर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा था प्रकाश वाले लेक्चर में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में कोई किरण आती है तो उसका अगर आपतन कोण का मान, इंसिडेंट एंगल का मान, क्रिटिकल एंगल के मान के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो किरण क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो अब देखिए हीरे में क्या होता है, हीरे का जो क्रिटिकल एंगल का मान जो होता है ना वो बहुत कम होता है, लगभग 24 डिग्री होता है समथिंग। ओके, तो जब प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश करती है तो चूंकि इसे क्रिटिकल एंगल का मान बहुत कम है तो बार बार अंदर क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होती रहती है, परावर्तित होती रहती है। जब तक इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल के मान के बराबर है उसे ज्यादा नहीं हो जाता है तब तक वो किरण बाहर नहीं निकल पाती है। जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है इंसिडेंट एंगल का मान, किरण बाहर आ जाती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है तो हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो ये इसका कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आंसर क्या होगा, सी सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, तो ये मैं आपको ट्रिक से बता चुका हूँ पहले भी। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि डायनेमो में पीछे काम को लेना है दो वर्ड, एम और ओ, तो ओ को हमने बनाया था ई, तो एम से ई मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है डायनेमो। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है डायनेमो
डी आंसर सही होगा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, उसके नाभिक में रहते हैं, तो नाभिक के भीतर रहते हैं, ए आंसर सही होगा। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं, काय में करती हैं, ठोसों में करती है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि जो लोहे का गुटका होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, और जो ऊष्मा का उतना अच्छा अवशोषक होता है उतना उत्सर्जक भी होता है। तो लोहे का गुटका जो होता है वो क्या होता है, अच्छा चालक होता है। तो लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, बी आंसर सही होगा। फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में, आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो करता है काम सिर्फ और सिर्फ एसी पर, केवल प्रत्यावर्ती धारा से। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा, सी आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर हैं, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना बताया है, लगभग 40 डेसिबल बताया है। ठीक है, अगर 75 डेसिबल की ध्वनि अगर मनुष्य कान तक पड़ती है तो वो हानिकारक होती है, 90 डेसिबल में तो मनुष्य जो है वो बहरा हो जाता है, और अगर इससे ऊपर जाती है तो इंसान पागल भी हो जाता है। तो कंडीशन के हिसाब से देखिए 40 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 60, मतलब डी आंसर सही होगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है, तो एम्पियर है। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो छोटा पत्थर पहले पहुंचेगा कि बड़ा पत्थर पहले पहुंचेगा कि दोनों पत्थर एक साथ जमीन पहुंचेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, देखिए गति के समीकरण हमको पता ही होता है, जब गुरुत्व के अधीन गति करता है तो देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2gh। आप सभी को पता ही होगा वी जो है ये क्या अंतिम वेग है, यू जो है वो प्रारंभिक वेग है, तो चूंकि दोनों को हमने एक साथ छोड़ा तो प्रारंभिक वेग तो क्या है उसका जीरो है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2gh हो गया, यू स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो गई। अब देखिए अंतिम वेग जो है वी और हाइट दोनों की सेम ही है, तो जो वी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, ना कि द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है। अब वो चाहे भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर फेंको चाहे एक समान द्रव्यमान के फेंको, द्रव्यमान पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, तो आंसर क्या होगा, सी आंसर सही होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो देखिए पानी में डूबी हुई छड़ जो है वो हल्की सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो आंसर क्या होगा, सी आंसर। निम्न में अस्थाई कण है, तो न्यूट्रॉन जो है वो एक अस्थाई कण है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है कौन सा है, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सब जो है ये ऊष्मा की इकाई है, वॉट ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो डी आंसर सही होगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेते हैं, अवतल लेंस लेते हैं, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लेते हैं। ये दोस्तों मैं आपको प्रकाश वाले लेक्चर में बता चुका हूं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि देखिए नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, तो मैंने आपको बताया था देखिए मॉडर्न फिजिक्स वाले लेक्चर में कि नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है और वो भी नियंत्रित होती है। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर, किया जाता है भूकंप की तीव्रता का मापन, और जो यंत्र यूज किया जाता है वो कौन सा है, सिस्मोग्राफ। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, इसलिए छोड़ा जाता है जो काली सतह होती है वो कैसी होती है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा जो होते हैं वो काला छोड़ते हैं, तो आंसर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। देखिए अगला, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, तो स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है
उसमें जो बैंगनी रंग है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो ऊर्जा ज्यादा होगी तो जैसे वातावरण में पहुंचेगा वो, तो वातावरण में उपस्थित धूल मिट्टी कणों से टकराएगा और बार बार परावर्तित होगा। इस वजह से क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो देखिए, विंड पावर में बहती हवा का यूज करते हैं, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ए आंसर सही होगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो और गलनांक कम हो। ठीक है, गलनांक कम होगा तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान ले सर्किट है, यहाँ पर फ्यूज तार यूज कर रखा है, तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा, करंट तेजी से फ्लो होगा। तो करंट तेजी से फ्लो होगा तो यहाँ पर जैसे करंट पहुंचेगा तो ये चूंकि इसका गलनांक कम है तो क्या होगा, ये तार जो होगा ये गल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, जिससे क्या होगा जो अप्लायंसेज हैं घर में उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जो फ्यूज तार होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रतिरोध जो होता है वो ज्यादा होता है, गलनांक कम होता है। तो आंसर क्या होता है, बी आंसर सही होगा। और अच्छा फ्यूज तार जो होता है वो काय का बना होता है, टीन का बना होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर सही होगा। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन पराश्रव्य तरंगे को मनुष्य नहीं सुन सकता है, क्योंकि मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगे हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है, बैरोमीटर। SSC का क्वेश्चन है अभी हाल ही का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो देखिए, ये तालाब है, ठीक है, यहाँ पर मछली है, तो जब वो तालाब में देखता है तो मछली की जो पोजीशन है वो उसे हल्की सी ऊपर यहाँ पर दिखाई देती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो उसको जहाँ मछली दिखाई दे रही है उससे नीचे उसको निशाना लगाना होगा। तो सी आंसर सही होगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे, नाभिकीय विखंडन पर। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो देखिए, जल भी ऊष्मा का चालक है, पर वो पूछ रहा है सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो पारा सबसे ज्यादा ऊष्मा का चालक होता है। तो बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो जो श्वेत सतह होती है, सफेद सरफेस, वो कैसी होती है, ताप की खराब अवशोषक होती है और अच्छी परावर्तक होती है। तो सी आंसर सही है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसा कारण है, इसका कारण है क्या है, स्थिरता का जड़त्व। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने करी है, मैक्सवेल ने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो वॉटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि क्या होती है कि वह भौतिक राशि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों ही हो, उसे ही हम बोलते हैं सदिश राशि। ओके, और विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन है, तो ये क्या है, सदिश राशि हुई। सी आंसर सही होगा। और कौन कौन सी सदिश राशि होती है, देखिए संवेग होता है, बल होता है, त्वरण, ये सब सदिश राशि होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? वो होता है स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है, और उस समय जो प्रकाश आता है उसमें लाल रंग का जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य चूंकि ज्यादा होती है तो वही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है, बैंगनी रंग हुआ, ये कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश है, तो ये क्या होते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जो कि वातावरण में उपस्थित धूल मिट्टी कणों से टकराता है और परावर्तित हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, हमें आसमान लाल रंग का दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण होता है वो, स्कैटरिंग के कारण। समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है, इसका कारण एक ही है कि पानी जो होता है वो जमने पर क्या होता है, फैलता है।
इस वजह से शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप जो होते हैं वो फट जाते हैं। सी आंसर सही होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, उसकी परमाणु संख्या होती है। निम्नलिखित में से किसने लेसर का आविष्कार किया था? तो थियोडोर मेमेन ने लेसर का आविष्कार किया था। ये आंसर सही होगा। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग और आयाम। तो पिच जो होता है वो निर्भर करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगा, आवाज उतनी ही तीक्ष्ण होगी। अगला देखिए, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परवलयी दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के अग्रदीपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप सभी को पता ही है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्न प्रक्रिया के कारण। किस कारण से होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। कैसे? देखिए, मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है, जब इसमें पानी भरा जाता है तो यहाँ पर देखिए इसकी सरफेस पे छोटे छोटे असंख्य क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इसमें से पानी जो रिस करके आ जाता है इसकी भारी सरफेस पे आ जाता है। ये जो रिसा हुआ पानी जो होता है यहाँ से वेपराइज हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो जैसे वाष्पीकृत होता है तो जो बाहर की सरफेस है उसको क्या करता है, ठंडा कर देता है। तो वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है, ठीक है, कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने की युक्ति है? देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस समानुपाती होता है तार की लंबाई के। तो तार की लंबाई अगर बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा, ए सही होगा। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? देखिए, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होती है लाल रंग की, सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश की यूनिट है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो देखिए, जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो दाब से स्वतंत्र होता है। तापमान, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र, लंबाई, इन सब पे डिपेंड करता है। दाब से क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है प्रेशर से। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो किसने करा था, रॉन्टजन ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, किसमें होगी, जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो देखिए, बेजानी हपीनाला हमारा ट्रिक था, तो बे से बैंगनी, बैंगनी की सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी, तो ऑप्शन में है नहीं बैंगनी। उसके बाद जामुनिया, जामुनिया भी नहीं है, तो बेजानी, उसके बाद आता है नीला, तो नीला ऑप्शन में है, तो आंसर क्या लगेगा, नीला लगेगा। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, क्या लाई जाती है, एक्स किरण का यूज किया जाता है सिटी स्कैन करने में। दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने किया था, गैलीलियो ने करा था दूरबीन का आविष्कार। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष, मतलब बी आंसर। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रॉन्टजन ने आविष्कार किया था, किसका किया था, एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है, इसका कारण है अपवर्तन। एक नैनोमीटर होता है, देखिए एक नैनोमीटर बराबर होता है 10^9 मीटर होता है, पर ये क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, 10^-7 सेंटीमीटर। तो एक नैनोमीटर बराबर 10^-7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी आंसर सही होगा। मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो ये प्रकाश वाले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था इसको, किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं, सौर सेल होते हैं जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष गति, किसने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए, जैसे जैसे बर्फ को पिघलाते हैं तो बर्फ का आयतन कम होता जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन जो होता है वो आते आते सबसे कम हो जाता है।
4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका आयतन बढ़ने लग जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका आयतन सबसे कम होगा, तो घनत्व जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। आयतन सबसे कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे और घनत्व सबसे ज्यादा होगा। तो क्या पूछ रहा है वो, घनत्व सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। मैंने आपको बताया था नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति को कंट्रोल करने के लिए। तो आंसर क्या होगा, ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। तो 746 वॉट के बराबर होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है, उसके तरंगदैर्ध्य से उसका रंग निर्धारित होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। आंसर क्या होगा, सी आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र विस्तृत है। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में, जो गर्भावस्था में जो शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है कौन सी है, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वायु में प्रकाश की गति होती है कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अगर आप ये क्वेश्चन अगर करके एग्जाम में जाते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपको इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप खुद से एक बार टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से ऑनलाइन ये टेस्ट लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।